नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक टॉक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो कि ऐसी दुनिया में चला गया। उसने डार्क वेब की एक ऐसी डार्क जगह को एक्सप्लोर कर लिया जो कि भैया एकदम असल जिंदगी से एकदम बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर कोई बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है जैक नाम के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इतना ज़्यादा प्रोफेशनल, इतना ज़्यादा स्किल्ड है ना भाई कि भैया कोई भी प्रोग्राम दे दो, कोई भी इंक्रिप्शन, कुछ भी चीज़ दे दो, झट से इसका आंसर आता था। ये इतना ज़्यादा प्रोफेशनल था। इसने डार्क वेब की ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहेगा। इसके साथ क्या हुआ, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की हमारी इस डार्क वेब की रियल स्टोरी को जल्दी से एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, जैक एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक बहुत ही एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और इथिकल हैकर था। ये अपनी टीम में एकदम तेज था। अपनी टीम में सबसे ज़्यादा तेज जो था ना, वो था जैक। न जाने कितने CTF इसने हासिल किए थे और जीते थे। जिन लोगों को ये नहीं पता कि CTF क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि CTF एक तरह का कॉम्पिटिशन होता है, कैप्चर द फ्लैग। तो दोस्तों, कैप्चर द फ्लैग ये एक तरह का कंपटीशन होता है जो कि इथिकल हैकर्स के बीच में किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट आते हैं। वहाँ पर दोस्तों, इथिकल हैकर्स और प्रोग्रामर्स को अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के टास्क प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, इंक्रिप्शन वगैरह सब दिया जाता है, जिन्हें सीरीज ऑफ टास्क दिए जाते हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है और अपने लक्ष्य को, अपने अंजाम को, आउटपुट को जनरेट करना होता है बेसिकली। तो दोस्तों, ये आप समझ सकते हो जैसे ट्रेजर हंटिंग होती है ना, बस उसी तरीके के ये कुछ कंपटीशन होती है ऑनलाइन वर्ल्ड में। हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स उन्हें कंप्लीट करते हैं, उन टास्क सीरीज ऑफ टास्क को कंप्लीट करते हैं और जीतते हैं। ये इनके लिए रैंक होल्ड करने का एक अच्छा तरीका होता है। पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इनके लिए, हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए। एक साइबर वर्ल्ड में एक अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। जैसे कि नॉर्मल कोई एथलीट वगैरह होता है, उसके लिए क्या वार्म अप एक अच्छी एक्सरसाइज होती है ना, बस उसी तरीके से ये कुछ कंपटीशन वगैरह होती है जिसमें सीरीज ऑफ टास्क दिए जाते हैं और इससे हमें रैंक पता चलती है और थोड़ा माइंड माइंड फ्रेश भी हो जाता है हमारा। इसमें कई तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं जैसे कि इनक्रिप्शन, लॉक्स, हिडन लूप होल्स, ताकि उनकी स्किल्स को जांचा जा सके। दोस्तों, यहाँ ही हमारी कहानी शुरू होती है हैकर भाई साहब की। एक बहुत ही एक्सपर्ट हैकर था जो ऐसे ही नॉर्मली डार्क वेब पे घूम रहा था। जी हाँ दोस्तों, अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल इथिकल हैकर है, तो डार्क वेब तो उसके लिए भाई नॉर्मल सी चीज़ होगी। हम जो है, हमारे लिए भाई डार्क वेब को मतलब आप सर्फ करो ना, उतनी बहुत बड़ी बात है। हम जो सर्फ करते हैं ना, वो सरफेस वेब होता है। डार्क वेब के लिए तो भाई अलग सा सेटअप सा सब अलग ही होता है, एकदम अलग से ब्राउज़र वगैरह, टॉर वगैरह सब अलग ही चीज़ है। तो बस भाई, हमारे हैकर भाई सबको वहाँ पे एक डार्क वेब पर एक फोरम मिला जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस था। पता नहीं कैसे यार, ये जो फोरियम था ना, ये बहुत ही ज़्यादा लॉक्ड था। पता नहीं, एकदम अजीब सा था, एकदम इतनी ज़्यादा इंक्रिप्शन, इतना ज़्यादा इंक्रिप्शन, अलग अलग तरह की क्रिप्टोग्राफी कीज़, पता नहीं क्या क्या चाहिए था उसके अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों, इतना सब इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी कीज़, ये सब देखकर जैक ने इसको अपने लिए एक चैलेंज की तरह लिया। उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि भले ही इसके अंदर कुछ भी हो, मैं इसको ब्रेक करूँगा और इसके अंदर तक जाऊँगा। उसने ये भी सोचा कि भैया इतना सब कुछ है, क्या है, इससे टेस्ट भी हो जाएगा कि मैं इसके अंदर जा भी पाऊँगा या फिर नहीं, क्या कोई मुझसे भी बड़ा हैकर है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सच मैं आपको बताता हूँ अभी। जब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट हो जाते हैं ना, तो उन्हें एक्सरसाइज और ड्रिल्स वगैरह सब नॉर्मल लगने लगती है। उन लोग को चाहिए कुछ रियल चीज़, उन लोग को चाहिए कोई स्पेशल चीज़ जो उन्हें मिले। और बस जैक भी इसी की तलाश कर रहा था जो उसे आज मिली। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, इस पोर्टल का नाम था द अबेस। तो दोस्तों, अबेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई बेस ही ना हो, मतलब उसके अंदर आप जाते चले जाओ, जाते चले जाओ, जाते चले जाओ, जिसकी कोई धरातल ही ना हो, मतलब अबेस का मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ पर ये डार्क वेब के एक फोरियम का नाम था
उसने इसको खोलना शुरू किया। तरह तरह की इंक्रिप्शन की, क्रिप्टोग्राफी की, जो कुछ भी चाहिए था सब उसने टाइम निकाला और उसने इसको ओपन करना शुरू करा। फाइनली इंक्रिप्शन ब्रेकिंग में उसको 7 घंटे लग गए दोस्तों। और दोस्तों आखिर में ये सब करते 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 वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेयर्स में पहुंच गया और वहां पर एक था द एंसेंशन पोर्टल। तो दोस्तों एंसेंशन पोर्टल जो है ना, देखो भाई मेरे से तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा ढंग से, आप अगर कोई हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बताता हूँ। एसेंशन पोर्टल भैया, ये जो पोर्टल है ना, ये सुनने में इतनी अजीब लगती है, मतलब क्या तो रियल में तो भाई जो एक्सप्लोर कर रहा होगा उस चीज़, उसके बंदे के लिए तो क्या ही होगा भाई साहब ये। तो दोस्तों असेंशन का मतलब होता है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है हायर लेवल, एक हायर लेवल पर चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाना। तो यहाँ पर हम डार्क वेब पर रिलेट करें तो किसी एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर आप जा रहे हैं, ये लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। तो जैक ने भी यही सोचा भाई साहब, तो वहाँ पर और क्या था भाई, उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ थी, मतलब जैसे मैंने आपको CTF की कहानी बताई ना, उसी की तरह वहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हुए थे दोस्तों। और वो जो स्टेप्स लिखे थे ना, वो नॉर्मल भाषा में तो लिखे ही नहीं थे। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें अभी जो हो रही है ना, मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई, ये टॉर लेवल पे नहीं हो रही है, आप समझ सकते हो टॉर से भी कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है ये कहानी। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा डीप जा चुका है अभी, डार्क से भी डार्क, समझ सकते हो आप इसको। नॉर्मल टॉर और VPN से तो आप इसका एक लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाते, जो 7 घंटे लगाकर हमारे इस जैक नाम के इस प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने किया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कहानी कितनी खतरनाक है, मतलब एकदम एक ही बार में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब पलट दिया एकदम अचानक से। और वहाँ पर इन्हीं डीप लेयर्स में उसने एसेंशन वाला जो चैलेंज है उसे ले लिया था। और दोस्तों एक शॉकिंग चीज़ बताऊँ, ये सारे स्टेप को जैक फॉलो करने वाला था। तो दोस्तों पहले स्टेप में तो एक कस्टमाइज्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे उसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना था। कुछ क्रिप्टोग्राफिक कीज मिली और कुछ कमांड्स मिले जो उसे एग्जीक्यूट करनी थी, यानी रन करनी थी। तो बस भाई इंतज़ार किस बात का, उसने ये सारा काम किया, उसने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लिनक्स डिस्ट्रो को भी डाउनलोड किया। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अलग सी बात थी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो लिनक्स डिस्ट्रो है ना, ये ऐसे काम के लिए बनाई गई है जो नॉर्मली पहले कभी देखी ही ना गई हो। वहाँ जो टूल्स, जो सेटिंग्स, जो अलग अलग तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी ना, वो तो भाई मतलब सोच से भी परे थी, मतलब नॉर्मल जिंदगी में तो भूल ही जाओ आप ये सब। और ये तो शॉकिंग बात ये कि ये जैक के लिए भी अनजान थी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगा कि जैक जो था ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एथिकल हैकर था, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो कोड्स थे, जो स्क्रिप्ट्स थे, वो कमांड्स थे, जैक उन सब के बारे में एकदम ही अनजान था। मतलब पहली बार उन सब को उसने देखा था, पहली बार उन सब चीज़ों से वो एक्सपोज हुआ था। तो दोस्तों भले ही वो इन सब चीज़ों के नाम से अनजान हो, लेकिन उसको एक चीज़ पता चली कि ये जो सब चीज़ें हैं ना, जब ये जो स्क्रिप्ट्स है, कोड्स है, कमांड्स है, ये सब चीज़ें हैं ना, उसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, उस पर रेगुलर अपडेट्स आ रहे थे। लेकिन जैक यहाँ पे शॉक हो गया कि भैया जो टूल्स, जिन टूल्स के नाम उसने कभी नहीं सुने और इनका इतना यूज़ भी नहीं होता है, तो उस पर अपडेट्स क्यों आ रहे थे। और वो सोच में पड़ गया कि भैया दुनिया में ऐसे भी सॉफ्टवेयर है क्या जिसके बारे में हम कोई नहीं जानता, हमारे में से कोई भी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके अंदर 100 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर और टूल्स थे, लेकिन एक के बारे में भी जैक ने नहीं सुना था। तो यहाँ पर क्या था भाई, जैक की क्यूरियोसिटी तो और बढ़ गई, उसको ये लगने लगा कि भाई ये तो भाई हम जो कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और वो खुद अनजान है। अब आगे क्या था भाई, उसने एक एक करके सभी टूल, सब चीज़ें देखनी शुरू की, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने दिमाग में सिर्फ इतना ही समझ के रखा था कि भैया कैसे भी करके उसे ये चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है। तो बस वो सारे स्टेप फॉलो कर दिया गया, सब कुछ एज इट इज़, जैसा कमांड्स में दिया गया था सब कुछ ऐसे ही वैसा का वैसा फॉलो करता गया। दोस्तों देखते ही पूरी रात इसी में निकल गई, अगला दिन हो गया, पता नहीं कितना समय लगा इस चीज़ में। जैक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया दोस्तों, उसी दिन पूरा उसी जगह पर अपने कमरे में पड़ा था, वही चीज़ कर रहा था। और बस एक फाइनल स्टेप आता है दोस्तों, इस स्टेप में
एसेंशन को शुरू करना था। ये कमांड भी कुछ इसी तरीके की थी। उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही पता नहीं उसके कंप्यूटर में कुछ अलग सा ही होने लगा, अलग सी मतलब कंप्यूटर अलग सी हरकतें करने लगा। पता नहीं उसकी वेबकैम की जो लाइट थी वो फ्लिकर करने लगी, चालू बंद होने लगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, नॉर्मली जब सिस्टम का वेबकैम चालू होता है ना तभी वो लाइट फ्लिकर करती है, वरना ऐसे ही कोई लाइट फ्लिकर नहीं करती वेबकैम में। लेकिन यहाँ तो जैक ने अपना वेबकैम जो है उसको तो चालू ही नहीं किया था, तो फिर सवाल ये है कि भाई लाइट क्यों जल रही थी, फ्लिकर क्यों कर रही थी। उसकी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया कि भैया एसेंशन के लिए तैयार रहे। किस चीज़ का असेंशन, कहाँ जाने वाला था आखिर जैक। और उसने देखा कि अपनी स्क्रीन पर उसी की फुटेज दिख रही है। भाई साहब मानो कि अभी से कुछ मिनट पहले वो वेबकैम उसको रिकॉर्ड कर रहा था विदाउट एनी परमिशन, कुछ भी काउंटडाउन वगैरह सब देखकर और खुद को देखकर स्क्रीन में। वो बहुत डर गया क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था दोस्तों। लेकिन फिर भी भाई प्रोफेशनल था तो वो समझ गया कि ये कोई साइबर अटैक है। उसे ऐसा लगा साइबर अटैक तो हुआ है कन्फर्म, किसी बात है कोई मुझसे भी बड़ा साइबर एक्सपर्ट साइबर स्पेशलिस्ट है जो मेरे साथ खेल रहा है, मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है मतलब। तो वो थोड़ा इतना भी डरा नहीं। उसने देखा कि जो काउंटडाउन चल रहा है वो अब इस मोमेंट तक का काउंटडाउन है जो कि पास से चल रहा है। अब यहाँ पे उसको लगा कि कुछ तो अजीब है भाई। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हुआ ना उसको चक्कर आने लगे, आँखों के आगे उसके अंधेरा छा गया और उसे जैक को लग रहा था कि भाई अब वो बेहोश होने वाला है। और धीरे 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 वक्त के साथ उसने अपनी कॉन्शियसनेस ही खो दी। वो चिल्लाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। लग रहा था कि जैसे कोई अलग ही कोई दुनिया में चला गया है, चिल्ला ही नहीं पा रहा था, सांस मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे पता चला कि उसकी सांसें भी ढलती जा रही थी। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता, और उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता, जैक के बारे में भी कोई नहीं जानता। अचानक से मिसिंग हो गया, एकदम गायब हो गया। अगले दिन कुछ दोस्त उसके वहाँ पर आए तो देखा तो जैक नहीं है, कंप्यूटर ऑन है एकदम वैसे का वैसा पड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ थी, उसका कंप्यूटर एकदम नॉर्मली चल रहा है, किसी भी चीज़ का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई टूल नहीं, कुछ नहीं, किसी भी ट्रेस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। कहाँ गया जैक, कहाँ गायब हो गया, ये एसेंशन प्रोसीजर आखिर था क्या, आ गया क्या जैक, नीचे से हाथ आया ऊपर से कोई लेके गया, क्या हो गया आखिरकार। असल में दोस्तों ये तो भाई कोई नहीं जानता। अब जब जैक गायब हो गया तो लोग ये सवाल करेंगे कि ये सारी चीज़ें पता कैसे चली आखिरकार। तो दोस्तों उसी फोरियम से जैक का एक दोस्त वापस से एक कुछ महीनों बाद उसी फोरियम पर गया था और वहाँ पर एक कहानी लिखी थी जो सेम जैक की कहानी थी बिल्कुल। जैक ने वहाँ सब कुछ लिखा कि उसके साथ क्या हुआ। उसने ये भी लिखा कि ये सब मेरे साथ इंसिडेंट होने के बाद मैं एकदम ही पूरी अलग दुनिया में हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का जो मुझे ज्वाइन करे। बोलो दोस्तों कमेंट में बताना आप जाना चाहोगे कि नहीं। और एक बात है कि जैक 72 नाम का एक यूज़र नेम वहाँ पर आज भी एक्टिव है, लेकिन जैक असल दुनिया में कहाँ पर है ये तो भाई कोई भी नहीं जानता। तो क्या हुआ, जैक आखिरकार कहाँ चला गया। सुनने में तो ये लग रहा है कि जैक एक असल दुनिया से एक अलग ही इंटरनेट की दुनिया में चला गया दोस्तों, मानो कि डिजिटल वर्ल्ड ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जेट 72 नाम के यूज़र नेम में बहुत सारे इनक्रिप्टेड मैसेजेस है, बहुत सारे कोड्स हैं जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि असल दुनिया से कोई डिजिटल दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाए। अब बेस हमने ये सुना तो है भाई कि कॉन्शियसनेस अपलोड की जा सकती है AI के ज़माने में। भाई आप समझ सकते हो भाई AI कहाँ पहुँच गया है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है सीक्रेटली। लेकिन एक जीता जागता इंसान गायब हो जाए ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो आखिरकार क्या हुआ, आज भी जैक 72 को कोई कॉन्टैक्ट करता है ना तो उसका सामने से रिप्लाई आता है और वो इंतज़ार कर रहा है एक दूसरे यूज़र का जो उसको ज्वाइन करे। कहाँ चला गया जैक कोई नहीं जानता। ये कहानी यही एंड होती है दोस्तों। दोस्तों ये कहानियाँ पोस्ट की गई है फोरियम्स में और ये कहानियाँ एकदम सच्ची है ऐसा दावा किया गया है। ये कहानियाँ थी उन लोगों की जिन्होंने जाने अनजाने में इंटरनेट की इस डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहा और अंजाम परिणाम क्या रहा उसका रिजल्ट मैंने आपको आज बता दिया। सब भी पूरी सच्ची कहानी मैंने आपको आज शेयर कर दी।
आशा करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में एक अलग सा मजा ही आया होगा, कहानी में आपको एकदम मजा सा आ गया होगा, कुछ एक नया हमारे चैनल पे आपको देखने को मिला होगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको इस तरीके के डार्क वेब रिलेटेड वीडियोज और स्टोरीज एकदम अच्छे लगते हैं, तो कमेंट में ज़रूर से बताना, मैं आपको इसके और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सब चीज़ में आपको बताते जाऊँगा कि भाई टेक्नोलॉजी डब्बे खोलने तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी में जितना आप डीप में जा सकते हो ना बहुत अच्छी बात है। इंडिया में तो क्या है भाई, डब्बे खोलने ही सब चीज़ है, लेकिन हम भाई डब्बे ना खोले, हम रियल साइड को एक्सप्लोर करते हैं, रियल नॉलेज को आप तक शेयर करते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए एक छोटा सा काम कर देना दोस्तों, वो जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस कर देना, लाइक वीडियो को भी लाइक कर देना यार, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, व्यूज आए चैनल पे, 1000 सब्सक्राइबर्स भी पहुंचाने, हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियोस क्रिएट करने की, और हम आपको तो एंटरटेन करते ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को तो यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।